नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब सर्किट ब्रेकर में पॉइंट वाइज जो है अगला आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। जब फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ओपन होते हैं, जब फॉल्ट कंडीशन में सीबी के कांटेक्ट ओपन होते हैं, सीबी के कांटेक्ट क्या होते हैं, ओपन होते हैं या एमसी एफसी से अलग होता है तो दोनों के बीच आर्क प्रोड्यूस होता है। दोनों के बीच आर्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट हमारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जैसे यमसी एफसी से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यमसी हमारा एफसी से क्या होता है, अलग होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कांटेक्ट हैं, एक हमारा यमसी है और एक हमारा क्या है, एफसी है। ये हमारा क्या है, फिक्स है। ये हमारा क्या है, फिक्स है, और ये हमारा क्या है, यमसी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये हमारा कौन सा कांटेक्ट है, एफसी है, और ये हमारा क्या है, एमसी है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ओपन हो गए, एमसी एफसी से क्या हो गया, हट गया। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसका क्या थ्योरी होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों सटे रहते हैं, और जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगा या कोई फॉल्ट कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में जो है ये एमसी जो है हमारा एफसी से दूर हट जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। तो दोनों के बीच हमारा क्या होगा, एयर होगा। तो ये एयर जो है आयनाइज्ड हो जाता है, आयनाइज्ड होने की वजह से जो है इसके बीच में क्या हो जाता है, आर्क डेवलप हो जाता है। क्या होता है, आर्क डेवलप हो जाता है, और जब तक ये आर्क रहेगा तब तक लाइन हमारी क्या रहेगी, चालू रहेगी। जब तक आर्क रहेगा तब तक ये लाइन हमारी क्या रहेगी, चालू रहेगी। अब ये जो आर्क है हमारा, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग जैसे आयल सर्किट ब्रेकर होता है तो उसमें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। ये समझ लीजिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस आर्क को बुझाना ज़रूरी है। जब तक आर्क बनी रहेगी तब तक लाइन हमारी क्या रहेगी, चालू रहेगी। जब तक आर्क बनी रहेगी तब तक लाइन हमारी क्या रहेगी, चालू रहेगी। इसलिए आर्क को बुझाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जब तक आर्क बनी रहेगी तब तक लाइन चालू रहेगी, तब तक लाइन क्या रहेगी, चालू रहेगी। ठीक है, इसलिए आर्क को बुझाना, तब तक लाइन क्या रहेगी, चालू रहेगी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि आर्क को नहीं बुझाया गया तो इलेक्ट्रिक सिस्टम तथा सर्किट ब्रेकर स्वयं डैमेज हो जाएंगे। समझ
समझ में आया, सर्किट ब्रेकर स्वयं क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक सिस्टम और सर्किट ब्रेकर स्वयं हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगला पॉइंट मैं लिखूंगा, इस आर्क को बुझाने के लिए सीबी में, इस आर्क को बुझाने के लिए सीबी में जुगाड़ होता है, जुगाड़ होता है, यह जुगाड़ एयर आयल वैक्यूम SF6, उसके बाद एयर ब्लास्ट ETC होता है। समझ में आया, तो ये हमारा क्या होता है, जुगाड़ होता है। इसके माध्यम से आर को हम आसानी के साथ बुझा सकते हैं, कैसे, और इसी जुगाड़ के आधार पर सर्किट ब्रेकर का नाम भी क्या किया गया है, रखा गया है। पहले लिख लेते हैं, इसी जुगाड़ के आधार पर सीबी का नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर दोनों कांटेक्ट को MC और FC है, दोनों कांटेक्ट को अगर वैक्यूम में खोला जाए तो आर्क बनेगा ही नहीं, SF6 में खोला जाए तो आर्क बनेगा भी तो बुझ जाएगा। एयर ब्लास्ट मतलब दोनों कांटेक्ट के बीच में एयर को ब्लास्ट किया जाए, मतलब हाई प्रेशर एयर को क्या किया जाए, दोनों कांटेक्ट के बीच में प्रोवाइड किया जाए तो आर्क बुझ जाएगा। समझ में आया, आयल में अगर खोला जाए तो आयल में भी क्या हो जाएगा, आर्क हमारा बुझ जाएगा। समझ में आया, तो इसलिए इसी के आधार पर जो है, इसी जुगाड़ के आधार पर ही इसका नाम भी रख दिया गया। अगर आयल यूज किया जाएगा दोनों कांटेक्ट के बीच में तो आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम यूज किया जाएगा तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 यूज किया जाएगा तो SF6 सर्किट ब्रेकर या सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होगा। ठीक है, अगर एयर ब्लास्ट यूज किया जाएगा तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होंगे। तो इसी के आधार पर नाम क्या किया गया है, रखा जाता है। ठीक है, आगे जितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होंगे उन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आर्क आयनीकृत कणों आर्क की लेंथ तथा आर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, आर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्क, पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्क। यहाँ पे पॉइंट आप डाल लीजिएगा,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्क, ठीक है, एक प्रकार की एक हेडिंग हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्क। अब तो आर्क रेजिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट थोड़ा देखेंगे कि आर्क रेजिस्टेंस हमारा, आर्क रेजिस्टेंस भाई आर्क है, दोनों कांटेक्ट के बीच में क्या होगा, आर्क होगा, दोनों कांटेक्ट के बीच में एक आपका एफ सी होगा और एक आपका क्या होगा, एम सी होगा, ठीक है। तो दोनों कांटेक्ट के बीच में क्या होगा, आर्क होगा, ये हमारा क्या है आपका आर्क है, वैसे समझने के लिए बना लीजिए। तो आर्क का रेजिस्टेंस भी होगा। अभी देखिए आर्क फार्मिंग कैसे बन रहा है उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अभी आर्क के बारे में देखते हैं कि क्या उसकी, उसका मान जो है, आर्क रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आर्क हमारा किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आर्क रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आर्क रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वन बाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वन बाई कंडक्टिविटी इंटू आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क बटे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क। समझ में आया? तो आर्क रेजिस्टेंस जो होता है वो इन सब बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है। जैसे कंडक्टर की लंबाई अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो आर्क भी तो एक प्रकार का कंडक्टर ही है, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। समझ में आया? क्रॉस सेक्शन एरिया, आर्क जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पॉइंट करके लिखेंगे कि जो हमारा आर्क रेजिस्टेंस है, आर्क रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टी एन सी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद जो है आर्क रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क। समझ में आया? उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी है, आर्क रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से आर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्क के रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ आर्क, आर्क और मीडियम, ठीक है। इसको सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद जो है स्क्रीन शॉट लेती हूँ।
जैसे आर्क जो है हमारा कैसे बनता है, आर्क मतलब स्पार्क, आर्क मतलब क्या होता है, स्पार्क होता है, ठीक है। अब स्पार्क से क्या होगा, आपका मतलब हीट निकलेगा, हीट निकलेगा, तो जब हीट निकलेगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब उसके बाद जो है कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बढ़ेगा, कंडक्टिविटी मीडियम की कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आर्क रेजिस्टेंस कम होगा, आर्क रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। अब जब आर्क रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगी, आर्क करंट आपकी बढ़ेगी, तो करंट हमारा क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद करंट इंक्रीज होगा तो हमारा हीट क्या होगा, इंक्रीज होगा, हीट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर हमारा फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद यह प्रोसेस चलता रहेगा, यह प्रोसेस चलता रहेगा यदि आर्क को ख़त्म नहीं किया गया तो। मतलब आर्क बनेगा, आर्क को स्पार्क बोलते हैं, जिसमें हीट होगा, हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी ऑफ द, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी मीडियम की, आर्क रेजिस्टेंस घटेगा। भाई सिंपल सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आर्क रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, करंट बढ़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर प्रोसेस यही चलता रहेगा, समझ में आया। तो इसलिए आर्क को बुझाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे वो लिखेंगे, अब ये जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्क का प्रोसेस, आर्क का प्रोसेस सेल्फ मूविंग, सेल्फ मूविंग, देखिए सेल्फ मूव कर रहा है ना स्वयं, और सेल्फ सस्टेन सिस्टम होता है, और सेल्फ सस्टेन सिस्टम होता है, ये चीज़ है। ये हो गया, अब देखिए आर्क, आर्क से क्या होता है, हीट डेवलप होता है, आर्क से क्या होता है, हीट डेवलप होता है। जैसे नाइक्रोम हमारे घरों में जो हीटर होता है तो उससे भी तो हीट ही डेवलप होता है नाइक्रोम वायर से। तो नाइक्रोम वायर क्या है, एक हाईली हाई रेजिस्टिव वायर है, रेजिस्टिव वायर है, तभी तो हीट डेवलप कर रहा है। तो आर्क भी हमारा क्या होता है, रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है, ठीक है। आर्क भी हमारा किस नेचर का होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है। आर्क से हीट डेवलप होता है, आर्क से हीट डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए यह रेजिस्टिव नेचर का होता है, इसलिए आर्क रेजिस्टिव नेचर का होता है। इसलिए आर्क रेजिस्टिव नेचर का, नेचर का होता है। आर्क हमारा किस नेचर का होगा, रेजिस्टिव नेचर का होगा, ठीक है।
अब आर्क अगर रजिस्टिव है तो आर्क वोल्टेज और आर्क करंट होगी, तो आर्क करंट और आर्क वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। समझ में आया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आर्क के रजिस्टिव होने के कारण, रजिस्टिव होने के कारण आर्क वोल्टेज एंड आर्क करंट आर्क करंट सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आर्क का देखिए सेम फेज में है ना, आर्क वोल्टेज और आर्क करंट, तो आर्क का जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है। आर्क का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। आर का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? यूनिटी होगा। समझ में आया? ये चीज़ है, तो इसको आपके लिए जानना क्या है, ज़रूरी है। ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।